Well, gentlemen, the situation is alarming. Do not make a mistake. बिठूर में जो भी हुआ वो डिफेंस नहीं था, रिवोल्ट था, बगावत का शुरुआत. और आप लोग जानते हैं कि ये क्यों हुआ. ये इसलिए हुआ कि हमने ठेल दिया, इंडियन को अपनी आंख में आंख डालकर बात करने का मौका दिया. आज उसने आंख उठाया है, कल वो हाथ उठाएगा. No, it's not possible, Lord Dalhousie. ये नहीं हो सकता. ये हो सकता है मिस्टर फ्रेजर, ये हो रहा है. और ये इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तानियों के दिल से हमारा डर, हमारा दहशत, हमारा टेरर खत्म हो गया है. और ये दहशत उनके दिल में दोबारा से पैदा नहीं किया तो कुछ नहीं होगा. अगर नहीं हुआ तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा. आई एम फुली एग्री विद यू एंड आई थिंक अब हमें कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए. वो हमने सोच लिया है. हम दो स्टेप लेगा. नंबर वन, लॉर्ड डलहौजी आज की डेट में अपने इस फैसले का ऐलान करता है कि जवां बख्त उम्र भर वली अहद ही रहेगा. बहादुर शाह जफर की मौत के बाद भी वो बादशाह नहीं कहलाया जाएगा. बादशाह का टाइटल बहादुर शाह जफर की मौत के साथ खत्म. यह उसका उस बहादुरी का इनाम है जो उसने बिठूर में मोरलैंड को दिखाया था. नंबर टू, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, हर जगह अंग्रेज और फौज की दहशत बिठा दो. मंदिर, मस्जिद, बाजार, घर में हर जगह सबको बता दो कि अंग्रेज को आग दिखाने का रिजल्ट क्या होता है. अगर अंग्रेज गुस्सा होता है तो वो क्या करता है. हमने जो भी कहा है उस पर पूरी तरह से एक्ट किया जाए. That's all, gentlemen. Ah!
कांग्रेचुलेशंस सर। जमा वक्त को बता दिया गया है कि उसका स्टेटस क्या है और उसका फ्यूचर क्या रहेगा। सर, सारा हिंदुस्तान कंपनी बहादुर के डर से थर थर कांप रहा है और दहशत का वो हाल है कि किसानों ने खेतों में जाना बंद कर दिया है और लोग तो लोग, हवा भी आपके ऑर्डर के बिना चलने से इनकार करती है। गुड गुड डेविड, हमारा दो ऑर्डर पूरा हुआ है, अभी तीसरा बाकी है। ऑर्डर सर, बिठुर के उस नाना साहब को हमारा ये अल्टीमेटम पहुंचा दिया जाए कि 10 दिन के अंदर अंदर वो बिठुर से निकल जाए, नहीं तो हम हिंदुस्तान के मैप से बिठुर का नाम मिटा देंगे। Look at him. How pathetic. I'm sure he's going to be the last of the great Mughals. Bahadur Shah, the last. His Majesty के लिए gift पेश किया जाए। Yes sir, let it come. Get the gift. Your Majesty, East India Company और हुकूमत बरतानिया पर मुगल बादशाहों के बहुत बड़े एहसानात हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा तोहफा पेश किया जाए। Please, please, Your Majesty. जनरल विल्सन, मुगल शहजादे हमेशा इसी तरह अपने बाप के सामने सुर्ख रूह होकर आए हैं। चार्जशीट फड़ी जाए। मुलजिम मोहम्मद सिराजुद्दीन बहादुर शाह अबू जफर वल्द अकबर शाह हसानी, इल्जाम है कि तुमने वफादार बहादुर हिंदुस्तानी सिपाहियों को कंपनी बहादुर के खिलाफ गद्दारी पर उकसाया। तुमने इस काम में उनकी मदद की, उनका साथ दिया। तुमने अपने बेटों
और दिल्ली शुमाल मगरिब के सरहदी सूबों की आवाम को बगावत पर आमादा किया, उनकी मदद की, उनका साथ दिया। तुमने न सिर्फ हिंदुस्तान की खुद मुख्तार बादशाहियत का ऐलान किया, बल्कि दिल्ली में तमाम फौजों को भी जमा किया। कंपनी के खिलाफ जंग का माहौल तुमने पैदा किया, और ये सब भी मानो कम था तो 49 बेकसूर और मासूम अंग्रेजों की जान भी तुमने ले ली। लाल किले की सरजमी को अंग्रेजों के खून से लाल तुमने किया। ये सारे इल्जाम गलत और बेबुनियाद है। इल्जामात तो सिर्फ इल्जामात होते हैं गुलाम अब्बास, गलत और सही क्या है इसका फैसला जनरल विल्सन और जूरी को करना है। और फैसला हो चुका है।